बाइक का काफी ज्यादा हेवी बाइक है। अगर ये बाइक की बात करें तो 360 किलो की है, उससे भी डबल हो जाती है। दो राइडर टीवीएस की डालनी पड़ेंगी तब जाके बाइक होगी। यार मजा ले इस गाड़ी को, पीछे से और आगे से कोई देख ना ले, कितना जबरदस्त लगता है। देख लो रोड साइड इतनी जबरदस्त लगती है। ये वैसे रखे चेंजेस पूरा ब्लैक कर दिया, ग्रेइश पैटर्न कर दिया, गन मेटल कर दिया, तो सड़ने के चांसेस कम होते हैं। ये अपने सामने है आपकी जो है मोस्ट फेमस जो है वो बाइक, रेस्टोरेंट टाइप की बाइक कहा जाता है इसको। अब ये पूरा जो है वो डिटेल रिव्यू होने वाला है, पूरा जो है वो टिल एंड तक देखना। सबसे पहले ये रॉयल एनफील्ड का ब्रांड न्यू गन मेटल कलर देख लो, जो है वो मैट फिनिशिंग में ब्रांड न्यू आ चुका है। लेकिन बाकी का अगर सब कुछ देखते हो ना रॉयल एनफील्ड का, अगर तो बाकी सेम सिमिलर जो है वो सब कुछ जो है वो टोटल ऐसा कि वैसा ही मिलता है, जैसे जो है वो 10 साल पुराने जो रॉयल एनफील्ड क्लासिक आती थी, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो 350। मेरे जो है वो रिलेटिव के पास 500 सीसी बुलेट थी, हमने बेच दी वो करके हमने गलती कर दी। लेकिन 500 सीसी की बाइक जो है वो क्लासिक में अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो बाइक की हुई है ना रॉयल एनफील्ड ने, अभी भी स्टिल क्लासिक में सबसे ज़्यादा जो है वो रॉयल एनफील्ड जो है वो क्लासिक जो है वो फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव हो चुका है, बहुत यूनिट अभी भी बेचता है। बीच में जो है वो ट्रायम्फ ने, बेनाली ने थोड़ा सा जो है उन्हें उसको पीछे पछाड़ दिया था, उसके बाद BMW जो है वो ZX2 आई थी उसने पीछे पछाड़ दिया था। लेकिन रॉयल एनफील्ड जो एक ऐसा है, क्लासिक में ही बोल रहा हूँ मैं, थंडरबर्ड और कॉन्टिनेंटल उतने ज़्यादा नहीं बिकते, लेकिन इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट फेमस गाड़ी है ये क्लासिक की, पीछे वाली लुक की जैसे है वैसा ही है। मतलब 10 साल पुरानी अगर बात करते हम स्कूल में पढ़ते थे वैसे की वैसे आपको जो है वो ओवल शेप की जो है वो लैंप, आपको हैलोजन लैंप रखा है। अभी भी LED नहीं दे रखा है इस गाड़ी को, चाहे आगे चाहे पीछे, फ्रंट में भी आपको जो है वो हैलोजन लैंप ही मिल जाता है चलाता है। टॉप मॉडल में भी आपको व्हाइट नहीं मिलता है, लाइट जो है वो प्रोजेक्टर लैंप वगैरह कुछ नहीं होता है, हैलोजन ही लैंप मिल जाता है। तो सबसे बात करते हैं फ्रंट साइड की, तो आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग पूरा का पूरा दे रखा है। ये पूरे टेलीस्कोप सस्पेंशन काफ़ी अच्छे जैसे थे वैसे की वैसे इंप्रूव, थोड़े से सस्पेंशन स्टिफ हो गए काफ़ी अच्छे, मतलब जो है वो हार्डकोर ऑफ रोडिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। और ऑफ रोडिंग के लिए बाइक है, थोड़ा लोअर RPM में चलाने के लिए बाइक है, दौड़ाने के लिए बुलेट बाइक नहीं। अभी भी वजन जो है वो मेरे ख्याल से लमसम 3.5-4 किलो कम हुआ है, रिड्यूस हुआ, लेकिन ये जो है वो आप देख रहे हो ना पहले जो है वो थोड़ा सा, मतलब जो है वो आप देख सकते हो अलॉय व्हील्स वगैरह जो है फोक्स आया करते थे, ये भी थोड़ा सड़ जाता था। अब इन्होंने जो है वो पूरा ब्लैक कर दिया, ग्रेइश पैटर्न कर दिया, गन मेटल कर दिया, तो सड़ने के चांसेस कम होते हैं। फोक्स की बात करते हैं तो फोक्स का जो है आप देख सकते हो पूरा अलॉय व्हील कर दिया है अच्छा खासा, आगे और पीछे दोनों के दोनों डिस्क ब्रेक आते हैं। और सबसे बड़ी बात बताओ, रेट्री पोर्टल दो डिस्क आती है इसमें। अब बात बताओ यहाँ पे एक डिस्क आती है, उसके बाद आपको डिस्क के बाद आपको ABS ड्यूअल चैनल मिल जाता है इस बाइक में। अब उसका बेस मॉडल लेते हो तो सिंगल चैनल ABS और पीछे जो है वो आपको अगर बात करते हो तो लाइनर सबको मिल जाते हैं, जो भी इसमें आपको काफ़ी अच्छी तरह से दोनों डिस्क ब्रेक के साथ ABS EBD आपको मिल जाता है। EBD तो नहीं मिलता है लेकिन ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। रॉयल एनफील्ड का लोगो आपको देखने को मिलता है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग है। साइडो प्रोफेशनल से बात करते हो तो साइडो प्रोफेशनल इस तरह से भाई लुक तो पहले से ही काफ़ी एग्रेसिव, और जैसे कि इस पोजिशन से आप देखते हो ना बाइक को काफ़ी ज़बरदस्त दिखती है। इस तरह से कुछ चाबी आती है बाइक की, चाबी अगर दिखा दूँ मैं रॉयल एनफील्ड की, ये देखो जो पुरानी आया करती थी ना, ये देख लो RE लिखा हुआ है ऐसे ही। अब अगर मैं बाइक की अगर बात करूँ तो यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये ऑन हो, अभी ऑन होती, ऑन होने के बाद जैसे जो एनालॉग थे पहले वैसे ही कर दिया सिवाय एक के, यहाँ पे थोड़ा सा डिजिटल इंफोटेनमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डाल दिया, जो है इको और ट्रिप के वो रोडोमीटर वगैरह सब कुछ आपको दिखाता है। यहाँ पे एनालॉग जैसा था वैसा ही है, लेकिन भाई साहब ये जो थोड़ी सी ये जो वाइट, मतलब जो है वो क्रोम फिनिशिंग देखते हो ना इस जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, काफ़ी ज़बरदस्त बात बन जाती है। जो है 160 तक मार्किंग रॉयल एनफील्ड वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे इमोबिलाइजर एक आ गया, उस जमाने में हुआ नहीं करता था। और यहाँ पे एक बात करते हो तो ये जो है बैटरी के जो है वो इंडिकेशन वगैरह सब कुछ आता है। रॉयल एनफील्ड का यहाँ पे लोगो आता है, ये देखो 34,000, मतलब जो है वो 34,000 ऑलमोस्ट चल चुकी है गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा चला यार अंकल आपने। पीछे बात करते हो लेदर अपहॉल्स्ट्री आपको मिल जाए, पिलियनर इसके सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। हाइट जो देखो अपनी रेडर की जितनी है ना, उससे भी थोड़ी सी आपको जो है वो कम देखने को मिल जाती है। नीचे पीछे बात करते हो दो आपको फुटरेस्ट आते हैं, फुटरेस्ट भी काफ़ी अच्छी तरह से पूरे के पूरे आपको साड़ी गार्ड आपको मिल जाता है, क्योंकि औरतों को बिठाने के लिए ही सबसे ज़्यादा बुलेट मशहूर है। फ्रंट से देखो ये वाला शेप तो काफ़ी ज़बरदस्त दिखता है, ओवल शेप के लैंप आपको मिल जाता है। नीचे आपको टेलीस्कोप सस्पेंशन आपको हाइड्रोलिक स्टड्स के साथ मिल जाता है, ये पूरा पियानो ब्लैक बता है। यहाँ पे 350 इंजन जो है वो 350 सीसी का जो है वो सिंगल सिलेंडर जो है वो DOHC इंजन आपको मिल जाता है, क्लासिक 350 यहाँ पे नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो सबसे पहले बात आपको पीछे पूरा मोनोस्टॉप सस्पेंशन आपको मिल जाता है, यहाँ पे पूरे के पूरे आपको जो है वो आपको ये साइलेंसर आपको जैसा था, मतलब जो स्ट्रक्चर और बॉडी फ्रेम अगर बात करते हो ना बुलेट की जैसे कि वैसे रखा है, सिवाय उसके कलर के और जो है वो ब्लैक
और ग्रे कॉम्बिनेशन के, मतलब ये वाला फिनिशिंग देख लो यार कितना जबरदस्त दिखता है यार बुलेट को, कितना प्यारा लग रहा है देख लो। ये कलर भी, ये मुझे सबसे बढ़िया कलर लगा, गन मेटल कलर कहा जाता है इसको, ग्रेइश कलर भी कह सकते हो, और थोड़ा मैट फिनिशिंग में आता है। पीछे बात करते हो रॉयल एनफील्ड का जैसे था वैसे का वैसे ये लोगो आपको मिल जाता है। पीछे बात करते हो टायर साइज जो है वो काफी बढ़िया आपको है, पहले से 1 इंच जो है वो विड्थ कम हो गई है, और जो है वो आपको जो है वो अगर बात करते हो डायमेंशन की थोड़ी सी बढ़ गई है, मतलब जो पहले वाली प्रोफाइल बात करते हो तो टायर प्रोफाइल अगर MRF के टायर ही आते हैं इसको, यहाँ पे बड़े टायर है काफ़ी, आगे वाले थोड़े चौड़े कम है, पीछे वाले थोड़े चौड़े ज़्यादा है, और सिमिलर ही लगते हैं। पहले जो बुलेट आया करती थी पीछे वाला काफ़ी चौड़ा हुआ करता टायर, और इस कलर के साथ भाई लग रही है हार्डली डेविडसन यार, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पे दोनों के दोनों आपको जो है वो ये आपको चालू करते हो तो इस तरह से आपको ये लैंप आते हैं जो है वो, उसको विजिबिलिटी लाइट्स बोला जाता है, ऐसे जो बैल को किसी सिंग होता है ना वैसे की वैसे एग्रेसिव जो है वो लग रहा है यार, ये देख लो काफ़ी ज़बरदस्त एग्रेसिव लग रहा है। हैलोजन लैंप वैसे की वैसे रखा है, अगर चालू करते हो ना बाइक यहाँ पे देख लो ये स्विच करना पड़ता है। पहले क्या होता था ऐसे इग्निशन आया नहीं करता था, स्विच होता था सिर्फ किल स्विच, ये चालू करने के बाद आपको डायरेक्टली चालू होती थी बाइक, अभी उन्होंने किल स्विच कर दिया है। किल स्विच होने के मतलब इस 5 साल के अंदर, बाकी जैसे है वैसे डायग्राम रखी हुई है। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का लोगो है, पूरे जो है वो आगे और पीछे डिस्क ब्रेक है, इसका ऑयल लेवलर यहाँ पे है, एक ब्रेक काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेक है लेकिन हेवी काफ़ी है, मेरे ख्याल से 350 cc इंजन है वो, 280 किलो के ऊपर बाइक आपको जाती है, 670 किलो की बाइक है टोटल मेरे ख्याल से, कर्ब वेट है इस बाइक का, काफ़ी ज़्यादा हेवी बाइक है। अगर ये बाइक की बात करें तो 360 किलो की है, ये उससे भी डबल हो जाती है, 2 राइडर TVS की डालनी पड़ेंगी तब जाके बाइक होगी भाई। टायर प्रोफाइल और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में बात करते हो तो 30 mm की मतलब 21 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है कि ये देख लो रेडिएटर इसको जो है वो आता ही नहीं है, लिक्विड कूल इंजन नहीं है ये, SOHC इंजन है ही नहीं है, जो है वो SOHC इंजन टाइप है, तो आपको रेडिएटर आपको आता ही नहीं है इसमें, मतलब सिंगल सिलेंडर आपको इंजन आता है 350 cc का, जो भी अराउंड 17.80 Nm का टॉर्क छोड़ता है अराउंड, और जो है वो BHP अगर की बात करते हैं 19.70 BHP जो है वो आपको जो है वो टोटल BHP मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया इसका जो है वो टॉर्क है इस इंजन का रॉयल एनफील्ड का। और ये मेरे को सबसे ज़्यादा जो है वो ना क्लासिक का सबसे ज़्यादा पसंद है यार ये ब्लैक। अब कैसे लगे रॉयल एनफील्ड का मेरे को बताना, आपको जो है वो नियर बाय अगर आप ये बुकिंग करना चाहते हो रॉयल एनफील्ड का जो है वो मैं नीचे नंबर और जो है डीलर का नाम वगैरह मेंशन करके डालूंगा, आप बुक कर सकते हो। चैनल पे नहीं होता सब्सक्राइब करना मत भूलिए। OMA 007 आया था रॉयल एनफील्ड जो है वो मेरे को मिली यहाँ पे रोड पे, भाई देख लो यार मजा ले इस गाड़ी को, पीछे से और आगे से कोई देख ना ले, इतना ज़बरदस्त लगता है देख लो, रोड साइड इतनी ज़बरदस्त लगती है, काफ़ी ज़बरदस्त बढ़िया तरीके से जो है वो दिखाई पड़ती है, और इसी कलर की जो है वो आपको थार भी जा रही है देख लो, ज़बरदस्त लगती है यार ये बाइक, अभी देख लो टर्मिनेटर सवाइवरेशन जैसे नहीं लगती आपको, सेलवेशन टर्मिनेटर जैसे जो है वो टर्मिनेटर ने पहले जो है वो उसकी हार्डली डेविडसन वैसे की वैसे ही जो शेप लगता है, क्योंकि इस कलर की वजह से यार ये सबसे कलर मुझे काफ़ी उस सेगमेंट में बढ़िया लगा, सबसे ज़्यादा प्यारा लगा ना इसका कलर। बाकी सब क्लासिक 350 हर एक अलग अलग प्लेटन में आपको मिल जाता है, ये आपको ऑयल लेवलर वर्क मिल जाता है, इस तरह से आपको जो है वो प्लेसमेंट है जो जैसी है वैसे रखे। चेंजेस मेजर का है, 2 डिस्क ब्रेक आ गए ABS के साथ, यहाँ पे आपको डिजिटल कंसोल थोड़ा सा TFT कम आ गया, बाकी सब कुछ सिमिलर है वैसा कि वैसा है, आगे और पीछे डिस्क है और पूरा ब्लैक पैटर्न कर दिया जो भी सड़ता नहीं है, काफ़ी सड़ने से बचाता है। कैसे लगे रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पे नए हो तो विजिट करना मत भूलिएगा। OMA 007 थैंक यू सो मच।